नमस्कार, मैं हूँ बेनजीर हाशमी और आप देख रहे हैं देश रोजाना का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा देश विदेश की सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग। वहीं आप पार्टी बोली, सीएम का वजन 7 किलो घटा, हो सकती है गंभीर बीमारी के संकेत। राजकोट टीआरपी गेम जोन हादसे की सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने राजकोट महानगरपालिका प्रशासन को जमकर लगाई फटकार। 28 मौतों के बाद हाईकोर्ट ने कहा, राजकोट गुजरात पर अब भरोसा नहीं। हिमाचल में प्रियंका गांधी की भव्य रैली में दिया गया बड़ा बयान। प्रियंका ने कहा, बीजेपी ने अग्निवीर योजना बनाई ताकि डिफेंस में खरबपतियों का हाथ हो। पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों की लू से हुई मौत, तो वही 6 राज्यों में हीटवेव का अलर्ट जारी। इसके अलावा 3 राज्यों में येलो अलर्ट जारी। भारी बारिश से कोलकाता में बाढ़ के हालात, पेड़ खंभे उखड़े, कई लोगों की हुई मौतें। राहत बचाव कार्य का जायजा लेने सड़कों पर उतरे राज्यपाल। बीजेपी विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज। कोर्ट ने कहा, विज्ञापन अपमानजनक है, तो वही कोलकाता हाई कोर्ट ने 4 जून तक एडवर्टाइजमेंट रोके। वहीं बात करें विदेशी खबरों की, तो पपुआ न्यू गिनी में मलबे में दबे 2000 लोग, 4 दिन से हो रहा लैंडस्लाइड। सरकार ने यूएन और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से तुरंत मदद की अपील। नॉर्थ कोरिया दूसरा जासूसी सैटेलाइट करेगा लॉन्च, खुद जापान को दी जानकारी। अमेरिका और साउथ कोरिया के सैन्य अड्डों पर रखी जा सकेगी नजर। वहीं चीनी घुसपैठ के बाद ताइवान बॉर्डर पर मिसाइल तैनात, चीन की सेना ने मिलिट्री ड्रिल की। इसी दौरान फाइटर जेट और शिप ने लांघी सीमा। अमेरिका में टोर्नेडो से 18 लोगों की हुई मौत, 42 लोग हुए घायल। वेस्टफॉल के आकार के गिरे ओले, तेज हवाओं के कारण 10 करोड़ लोग प्रभावित। बात करें शेयर बाजार की, तो पहली बार 76,000 के पार निकला शेयर बाजार। वहीं सेंसेक्स ने 76,900 का ऑल टाइम हाई बनाया। आज सोने चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली। 10 ग्राम सोना 72,162 पर हुआ, तो वहीं चांदी 90,000 रुपए के पार निकली। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के साथ ही करनाल विधानसभा सीट पर भी मतदान हो चुके हैं। दरअसल इसके बाद अब सभी को इन सीटों के परिणामों पर नजर बनी हुई है, क्योंकि मौजूदा नायब सैनी सरकार का भविष्य करनाल विधानसभा उपचुनाव से तय होगा। बता दें कि पूर्व सीएम मनोहर लाल के इस्तीफे के बाद से ये सीट खाली है। लोकसभा चुनाव के साथ ही करनाल विधानसभा सीट के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो गई है। वहीं 4 जून को मतगणना के बाद जहां केंद्र में नई सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी, वहीं करनाल विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के नतीजे प्रदेश सरकार भी भविष्य तय करेंगे। बताते चले कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस्तीफे से रिक्त इस सीट पर उपचुनाव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मैदान में हैं, जिन्हें कुर्सी पर बने रहने के लिए हर हाल में ये जीतना जरूरी है। यहां से भाजपा जीती तो राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही कांग्रेस और जसपा भी बैकफुट पर नजर आएगी। हरियाणा में नायब सरकार के कुछ मंत्रियों को क्षेत्र में कम मतदान होने से कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल इसका असर विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो पार्टी के कई विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में अधिक मतदान हुआ है, तो इसके नए राजनीतिक समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव में कई दिग्गजों के विधानसभा क्षेत्रों में कम मतदान से समर्थकों की धड़कनें बढ़ गई हैं। नायब सरकार के कुछ मंत्रियों के हलकों में कम मतदान प्रतिशत से जहां कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के कई विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में अधिक मतदान नए समीकरण बनाता नजर आ रहा है। बताते चले कि शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा के विधानसभा क्षेत्र बड़कल में सिर्फ 51% मतदान हुआ, जो न केवल फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र बल्कि पूरे प्रदेश में सबसे कम है। वहीं उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा के हलके बल्लभगढ़ में मतदान 54% से आगे नहीं बढ़ पाया। इसके अलावा अम्बाला संसदीय क्षेत्र में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर ज्ञानचंद गुप्ता के हलके पंचकुला में सबसे कम 56% मतदान हुआ, जबकि परिवहन मंत्री असीम गोयल के हलके अम्बाला शहर और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के हलके अम्बाला कैंट में मतदान प्रतिशत 62% तक रहा। हरियाणा में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, और आपको ये भी बता दें कि शनिवार से नौबता शुरू हो चुका है।
तापमान 48 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं डॉक्टर्स ने लू को लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी है। ऐसे में अब शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी 4 दिन पहले ही शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। दरअसल भीषण गर्मी के चलते हरियाणा के सभी स्कूलों में 28 मई से छुट्टी कर दी गई है। शिक्षा विभाग का यह आदेश प्रदेश के सभी स्कूलों पर लागू होगा। हरियाणा में नौबता का असर दिखना शुरू हो गया है। नौबता के दूसरे दिन ही रविवार को पारे में जबरदस्त उछाल आया। इस दौरान सिरसा में दिन का तापमान 48.4 डिग्री पर पहुंच गया। यही नहीं, प्रदेश के 14 दिनों में तापमान 45 या इससे ऊपर दर्ज किया गया। वहीं विशेषज्ञ की माने तो आने वाले 3 दिनों में लगातार मौसम की चरम परिस्थितियां जारी रहेंगी। इसे लेकर भारतीय मौसम विभाग ने भी 17 जिलों में रेड अलर्ट तो 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोकसभा चुनाव में रविवार शाम राज्य की सभी 10 सीटों पर हुए मतदान का नया डाटा अपडेट हुआ है। वहीं इसके मुताबिक हरियाणा में कुल मतदान 64.80% हुआ है। दरअसल मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने शनिवार को लगभग 65% मतदान का अनुमान जताया था। साथ ही ये भी कहा था कि डेटा संकलित होने पर आंकड़ों में बदलाव हो सकता है। बताते चले कि रविवार को भी पूरा दिन डाटा अपडेट होता रहा। यह आंकड़ा रविवार रात को अपडेट हुआ। नए आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज़्यादा मतदान सिरसा लोकसभा क्षेत्र से 69.77% दर्ज हुआ। वहीं सबसे कम गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में 62.3% मतदान हुआ। इसके साथ ही महिला व पुरुष के भी आंकड़े जारी हो गए हैं। इनके अनुसार 54% पुरुषों ने मतदान किया जबकि 46% महिलाओं ने मतदान किया। वहीं 476 ट्रांसजेंडरों में से सिर्फ 85 ने ही मतदान किया। पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 5.54% की कमी रही। 2019 के चुनाव में 70.34% मतदान हुआ था। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।